अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से रहना भी चाहिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो आप लोग को दिल से वेलकम। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैं कुछ फ्लिपकार्ट अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आई हूँ, जो कुछ मतलब ज़रूरत चीज़ है जो सभी के ये काम आने वाली है। तो ये पहला जो बॉक्स मैंने ओपन किया है, उसमें निकला ये वॉश। ये वॉश का आप ये पैकेट वगैरह इसका देख ले, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो ये मतलब कंटेनर में ये वॉच आया है, बहुत से वॉच मतलब कुछ बॉक्स टाइप पर आता है, लेकिन ये एक कंटेनर पर आया, काफ़ी मतलब अच्छा लुक भी दे रहा है। तो मतलब मैं भी शायद आजकल के वॉच मतलब ऐसे ही कंटेनर में ही आते होंगे, बस कुछ अट्रैक्शन के लिए। तो कंटेनर का क्वालिटी वगैरह तो ठीक ही है, मतलब थोड़ा सा पतला में है, खैर उससे हम लोग को जज नहीं करना, जज करना उसका वॉच से कि उसका वॉच कैसा है। उसका वॉच भी अच्छा आया है। तो अब ये दूसरा है, फ्लिपकार्ट अनबॉक्सिंग कर रही हूँ अनपैकेजिंग, तो इसमें देखते क्या निकलते हैं। और उसका प्राइस मैंने ऑलरेडी मैंने मेंशन कर लिया था, एक्चुअली मैं वो शायद 288 में ऐसा ही कुछ था या 388, आप लोग तो देख चुके होंगे स्क्रीन में। तो यहाँ जो दूसरा निकला ये है पावर बैंक। तो पावर बैंक भी क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। एक्चुअली में क्या है, बहुत से जगहों में लाइट का इशू रहता है, लोड शेडिंग चले जाती है। तो ये पावर बैंक को आप लोग क्या करें, चार्ज करके रख दे तो ज़रूरत में आपके काम आ जाएंगे। मेन जो ज़रूरत पड़ता है वो हम लोग का मोबाइल का पड़ता है, जो मतलब मोबाइल चार्ज करने टाइम में लोड शेडिंग चले जाती है। तो अब हम लोग कैसे करें, तो ये पावर बैंक को आप लोग घर पे आप लोग यूज़ कर सकते, रख सकते हैं इसे, ये भी यूज़फुल चीज़ है ये। तो इसे आप लोगों से खुद ही क्या है, रिचार्ज करना है, इसको मतलब चार्ज करना है, फिर जब ज़रूरत पड़े जैसा लोड शेडिंग वगैरह चले जाए आपके घर पर, तो आप इसमें अपना ये चार्जर पिन लगा के आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो इसको तो मैंने अभी फ़िलहाल अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है हम लोग का, यहाँ पर कोई लोड शेडिंग वगैरह का कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका भी प्राइस मैंने क्या किया, मैंने मेंशन मैंने कर दिया है। तो ये मतलब निकालने में इतना दिक्कत हो रहा था, तो मैंने बोला लाओ यार इसका चीर फाड़ करके मैं निकाल दिया, तो मैंने निकाल दिया, यूज़ तो होनी है, इसे रख कर करनी भी क्या है। तो इसमें ये देखिए आप लोगों के पिन वगैरह भी इसमें मिला है ये, तो जैसा इमेज में शो हुआ था वैसे ही रिसीव हुआ। और ये उसका कुछ कार्ड वगैरह है, तो उसका मैंने प्राइस शायद 1500 ऐसे समथिंग था। और ये जो चीज़ है ये भी काफ़ी ज़रूरत चीज़ है, जो हर घर पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब जो प्रोडक्ट का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, अगर आप लोगों को परचेस करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें निकला, ये थर्ड अनबॉक्सिंग है, ये लास्ट है, इसमें फिलिप्स का आयरन निकला है, जो आयरन हर घरों में रहती है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग अच्छा कंपनी का आयरन यूज़ करें, जो लॉन्ग लास्टिंग चले। तो मेरे पास जो एक आयरन था वो हैवेल्स कंपनी का था, वो कम से कम बहुत काफ़ी साल वो चला है, या 7 से 8 साल वो मे भी वो चला है। तो अब वो क्या होंगे, वो ख़राब हो चुका है। तो अब मैंने क्या, ये मैंने न्यू आयरन मैंने मंगाया है, और ये इसका गाइड कार्ड है ये। तो इसका तो मे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग बस आयरन करते हैं, प्लग लगाते हैं, आयरन करना शुरू कर देते हैं नॉर्मली जैसे आयरन आता है। तो ये जो आयरन है इसमें आप लोग जैसा, ये इसका पता नहीं है शायद ये आयरन मटेरियल का होगा इसका जो नीचे का, और ये जो है यहाँ पर आप पानी डाल सकते हैं, जैसे कॉटन कपड़ा ज़्यादा श्रिंक रहता है तो पानी डाल के आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी मेंशन है, जैसे कॉटन सिल्क रियॉन जैसा आप कपड़ा आयरन कर रहे हो तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जो हर घरों पे रहना ज़रूरत है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी पसंद आता है या परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आप लोग ऐसे ऐसे के जिन्हें सुन, इंशाल्लाह तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल करें और हम सब अपने दुआओं में शामिल रखें। जय।